अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी चिकन मलाई बोटी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया हुआ है और चिकन की मैंने छोटी छोटी बोटियाँ काट ली थी। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक में मैंने थोड़ा पानी मिला के उनको पीस लिया था और ऐसे ही मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट भी बना लिया था। अब मैं इसमें वो भी डाल दूंगी। अब इसमें आधा कप जाएगा दही का। दही के बाद अब मैं इसमें 1 कप डालूंगी क्रीम। मलाई बोटी में क्रीम की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा ही होती है और क्रीम आप कोई भी टेट्रा पैक की यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, नमक हसबे जायका, और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मिक्स करने के बाद अब मैं इस मिक्सचर में कोयले का धुआं दूंगी। कोयला मैंने पहले ही आग पे रख दिया था। अब मैं बस इस पे एल्यूमिनियम फॉइल रख के और उस पे कोयला रख के उस पे तेल लगा दूंगी ऊपर से ताकि उसका धुआं उठे, और फिर मैं इसको प्लेट से ढक दूंगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप फैंसी चीज़ें यूज़ करें, बॉल लें या ढक्कन के साथ उसमें मैरिनेट करें, यह ज़रूरी नहीं है। वैसे भी घर में कौन सा किसी को दिखाना होता है, तो इसीलिए मैं तो प्लेट ही यूज़ करूँगी। और अब मैं इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। मैरिनेशन का टाइम आप जितना भी रखें आप पे डिपेंड करता है। 30 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसको स्टिक्स में डाल दूँगी। एक स्टिक में बस 3 से 4 बोटियाँ डाल दूँगी मैं, या 3 ही, और मैं बाकी की बोटियों को भी ऐसे ही कर दूँगी। यहाँ पे मैंने बोटियाँ बना ली हैं और अब मैं बस इनको थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई करूँगी। इधर मैं एक पैन में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल, और अगर आप चाहें तो फ्लेवर के लिए थोड़ा सा बटर यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम मैंने लो रखी हुई है और अब मैं बस इसमें स्टिक्स डाल के इनको फ्राई कर दूँगी। और स्टिक्स डालने से पहले अगर आपको लगे कि इसमें मसाला नहीं है क्या, तो आप मसाले में इसको डिप कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट बाद मैं इसकी साइड्स चेंज कर दूँगी और इसको पका लूँगी। तकरीबन 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे देखें ये हो गए हैं, बन गए हैं अच्छे से, तो अब मैं इनको बस डिश आउट कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।